नमस्ते, अपने YouTube चैनल प्रमोद माही में स्वागत करते हैं। बात करेंगे ट्रिक से कैसे पढ़ें, ट्रिक पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर बात करेंगे। देखिए, ट्रिक से पढ़ने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है जिसको याद नहीं होता है, उनको जिनका माइंड थोड़ा सा लगता है कि हमको जल्दी याद नहीं होता है, तो उस ट्रिक से अगर पढ़ता है आदमी तो उसको जल्दी से याद होता है। मेरा भी यही थोड़ा सा प्रॉब्लम था, याद नहीं होता था कुछ भी पढ़ते थे तो हम ट्रिक अपना एक नोट्स बनाए थे, उसमें पूरा ट्रिक ही लिखे थे, जितना भी ट्रिक बैठता था उसको लिख लेते थे। ट्रिक के लिए जो चैनल था हम उसमें पढ़ते थे, अपने यहाँ जीके महात्मा जी से पढ़ते थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे और काफ़ी फनी ट्रिक से पढ़ाते थे। तो जीके जो है जीके महात्मा जी से पढ़े, उसके बाद कुछ जो जीके है जीके विथ वीके एक चैनल है यूट्यूब चैनल का, उससे पढ़े। इन्होंने काफ़ी कम समय में हमें जीके तैयार करा दिया, बहुत ही आसानी से तैयार हो गया। मैं कोचिंग भी पढ़ता था, ये बात नहीं है, लेकिन उसका जो है ट्रिक भी थोड़ा सा देख लेता था कि हाँ क्या है, याद नहीं हो रहा है, उसको देख लेते थे। तो ट्रिक से बैठाने के बाद बड़ा ही दिनों तक याद रहता था। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, तो ट्रिक का भी सहारा आप ले सकते हैं। जिनको याद नहीं होता है, आप जितना भी पढ़ें उसको ऐसा करें कि याद ही हो जाए, एक आध बार दोहरा भी लीजिए दो चार दिन, पाँच दिन, दस दिन के अंदर, ठीक है। तो ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो जीके महात्मा जी, जीके वीके आप देख सकते हैं, अच्छा टीचर हैं, आप पढ़ सकते हैं उनसे भी, अच्छा लगे तो पढ़िएगा, पुराने वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत मिल जाएगा आपको, अच्छे अच्छे ट्रिक बने होंगे तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। तो आप पढ़ते रहिए बस।